अवनिजेश अवस्थी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए प्रोफेसर हैं। अवनिजेश जी, आपने सभी सभी को सुना है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, जरा ये समझाइए कि क्या ममता दीदी के साथ वो हादसा या हमला जो भी हुआ उसके सस्पेंस को छोड़िए, लेकिन व्हीलचेयर पर प्रचार करती ममता जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक मुसीबत का सबब बन रही हैं। संपत्ति वोट उनके पास जा रहा है और यही वजह है कि जय श्री राम के नारे पर चलकर पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने की कोशिश में लगी बीजेपी आज ममता पर एक बार फिर से कटमनी के आरोप लगा रही है। देखिए, हम कटमनी पे हमेशा आरोप लगाते हैं, ये सही घटना काफी दिनों से गायब थे इसलिए कह रही हूँ, जरा रुक जाइएगा एक बार। अवनिजेश अवस्थी जी से उनकी राय ले लें, राजनीतिक विश्लेषक हैं वो। जी पिनाज जी, पिनाज मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ और चिल्लम चिल्ली की बहस करता नहीं हूँ। मैं स्पेशली कहूँगा कि बादल देवनाथ और विवेक श्रीवास्तव बीच में ना बोले, मेरी बात सुन ले, और मैं आप लोगों के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं न्यूज नेशन के दर्शकों के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग तो नहीं समझेंगे, आप लोग तो समझे समझाए। पिनाज, पहली बात मैं नहीं गई, अभी नरेंद्र मोदी की ये फिर बोला ना ये चीनी आदमी या चाइनीज आदमी को क्यों ले आते हैं बार बार, ना तीन में ना तेरह में, लोकसभा में एक सीट नहीं मिली इनको पश्चिम बंगाल से, आप एक सीट नहीं मिली इनको। आप बताइए, मेरी बुलंद आवाज से अभी अभी नरेंद्र मोदी की रैली में बिना फिर मैं नहीं बोलूंगा, आप अगर इनका आप इनको बुलवाइए, फिर अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप भी अपनी बुलंद आवाज में बोलिएगा, एक बार उनको सुन ले पहले। जी सर बोलिए। अच्छा बोलिए अग्रिवेश जी, बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। पिनाज नरेंद्र मोदी ने रैली में नारा क्या लगवाया था, तोलाबाजी और नोए लगाया था ना, कभी नेपथ्य में चला गया, कब छोड़ दिया ये कटमनी का नारा, और कटमनी का मुद्दा ये बीजेपी का नहीं है, कटमनी का मुद्दा तो खुद टीएमसी का है, टीएमसी के भूतपूर्व सांसद कहते हैं कि मैं घर बनवा रहा था, मेरे पास कटमनी लेने आ गए, ये तो ओपन फैक्ट है, स्वीकार है, स्वीकार किया गया है, इसमें कहीं कोई किसी तरीके का क्वेश्चन मार्क नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कटमनी वापस कर दो, कटमनी वापस कर दो, भाई कौन बोला ये, हम भी मानते हैं पिनाज, मैं बोला इनके बीच में, आपने इनको पिनाज पिनाज रख रहे हैं, वो किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, वो चुनावी स्ट्रेटजी पर बात कर रहे हैं, समझिए विवेक जी, विवेक जी हम उनसे चुनावी स्ट्रेटजी समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जरा उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं आप सबके पास जवाब लेने के लिए आऊंगी। वैसे ही उन्हें सबसे अंत में बोलने का मौका दिया है क्योंकि वो विश्लेषक हैं, आप नेता हैं, आपको ज्यादा मौका मिलेगा, लेकिन पर सुनिए और समझिए तो सही उन्हें। ठीक है ठीक है जी, बोलिए सर। पिनाज, बड़ी साफ सी बात है कि 34 साल का शासन की आवाम ने, जो कलकत्ता की जीडीपी 1947 में क्या थी, 50 में क्या थी, 60 में क्या थी, 70 में क्या थी, और 2016 में क्या थी, 2011 में क्या थी, और 2021 में क्या है, देश के अर्थव्यवस्था में कलकत्ता फिल्मों के गानों में गाया जाता था, लोग नौकरी करने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कलकत्ता जाया करता था, वो आज कलकत्ता जिस हालत में है, पूरा पश्चिम बंगाल जिस अर्थ, ये सोनार बंगला क्या बनाएंगे, तो सोने के लुटेरे, ये तो सोने की स्मगलिंग कर रहे हैं केरल में, पकड़ा गया इनका मुख्यमंत्री, अरे सोनार बंगला क्यों तुम्हारे सोनार बंगाल में सिलेंडर कितने का बेचोगे, सोनार बंगाल में पेट्रोल कितने का होगा, तुम्हारे सोनार बंगाल में डीजल कितने का होगा, चंदा देने वाले जो किसान यहां बॉर्डर पे बैठा है दिल्ली के, बंगाल के किसान का क्या करने जा रहे हो, मुझे अपनी नीतियां बताओ, की सेना 7 साल में सरकारी बैंकों को खाली कर दिया, मैं कहता हूं ये आदमी देशद्रोही है, और सरकारी कंपनी को बेच रहा है, की सेना को जीडीपी तुमने खत्म किया, देने से मना कर रहे हो, आप क्या कहेंगे, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट तुमने खत्म किया, भारत की सेना को डेवलपमेंट के लिए नाम पे देने से मना कर रहे हैं, वो देश का दुश्मन है कि नहीं है, देश विरोधी है कि नहीं है, मौलाना और पंडित करते कर ले आज देश, देखिए यह बात आप भी सुनिए, अवनिजेश जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो मैं चाहूंगी कि किसी को देशभक्ति का या देश सेवा का सर्टिफिकेट ना बांटे, आप पॉलिटिकल असेसमेंट करें तो बेहतर रहेगा। जरा मुझे एक बार बादल देवनाथ जी पे वापस जाने दीजिए, क्योंकि आपने बात कही, नहीं आप ये बताइए, पिनाज नो 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 पिनाज नहीं, अब नहीं जी सुनिए ना, हम लोग सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हैं यहाँ पर, सेना को खून देने से मना करने वाला क्या है, ठीक है आप सुनिए ना, आपने अपनी बात कही, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक बहस से जुड़े हुए हैं,
यहाँ सर्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। देश की आई विल नॉट विथड्रॉ, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इन्होंने 7 साल कुछ नहीं किया, सेना को ये कहने को प्रोफेसर है, इनके पास कोई आंकड़े नहीं है, सरकार का रिपोर्ट कार्ड आज इन्होंने कुछ कहा, अभी बताइए अभी उन्होंने कुछ कहा देश की सेना के लिए, आज का मुद्दा किस बारे में था, आज का मुद्दा किस बारे में था, आज हम किस मुद्दे पर बहस कर रहे थे, तो क्या हम वहीं पर रह सकते हैं सीमित, उन्होंने इतिहास में क्या कहा उस पर ना जाए तो कैसा रहेगा, मैंने आपसे क्या कहा अभी फिलहाल मौजूदा डिबेट में, क्या विवेक जी ने सेना को लेकर कोई टिप्पणी की, सेना का सम्मान न्यूज नेशन भी करता है, देश का हर बाशिंदा करता है, अगर अभी उन्होंने टिप्पणी नहीं की तो हम सिर्फ राजनीतिक बहस पर रहे तो कैसा रहेगा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, दिस इज ए फैक्ट, नहीं करता नहीं करता, अरे नहीं अरे करता, आज की डिबेट में अभी उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, 62 में चीन की सेना को मैंने क्या कहा, आज की डिबेट में उन्होंने कुछ बोला नहीं, आज उन्होंने कुछ ऐसा बोला, आज उन्होंने बोला ऐसा नहीं आते हैं डिबेट में, प्रॉब्लम ये है, ठीक है।